जगमीत सिंह, भारत के बाहर खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले इस शख्स की छवि कनाडा में बेशक साफ हो, लेकिन असल में ये शख्स भारत कनाडा के रिश्तों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। जगमीत सिंह एक कट्टर खालिस्तानी समर्थक है और वर्ष 2012 से ही खुफिया एजेंसी रॉ के निशाने पर है, लेकिन साथ ही वे ट्रूडो सरकार में भागीदार भी है। कनाडा के लोगों को जगमीत सिंह के काले कारनामों के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में यह आवश्यक है कि मीडिया के माध्यम से जगमीत सिंह के खालिस्तानी चेहरे को सबके सामने उजागर किया जाए। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कैनेडियन सांसद जगमीत सिंह एक लोकतांत्रिक नेता की आड़ में कनाडा में बैठकर भारत विरोधी खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। भारत में पिछले कई महीनों से जारी किसान प्रदर्शन के दौरान कनाडा की ओर से बेवजह दखलंदाजी देखने को मिली है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खुद अपनी घरेलू राजनीतिक मजबूरियों के कारण भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर चुके हैं। राजनीतिक मजबूरी इसलिए क्योंकि सरकार में उनके साथी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह एक कट्टर खालिस्तानी समर्थक है, जो न सिर्फ कनाडा में बल्कि दुनिया भर में खालिस्तानी तत्वों का भरपूर समर्थन करता है। अपनी शानदार PR के बल पर जगमीत सिंह को कनाडा में एक साफ छवि वाले और कर्मठ लोकतांत्रिक नेता के रूप में देखा जाता है, लेकिन असल में ये उसी के कारनामे हैं जो कनाडा और भारत के रिश्तों को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। जगमीत सिंह के माता पिता भारतीय मूल के हैं और ये कनाडा में मौजूद भारतीय सिखों में लोकप्रिय भी हैं। वर्ष 2017 से वह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व कर रहा है और कनाडा में खालिस्तानी विचार को बढ़ावा देता आया है। खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वो वर्ष 2012 से ही भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के निशाने पर है। भारत विरोधी रुख के लिए वर्ष 2013 में उसे भारतीय सरकार ने भारत का वीजा प्रदान करने से साफ मना कर दिया था। तब जगमीत सिंह ऐसा पहला पश्चिमी नेता बना था जिसे भारत सरकार ने वीजा प्रदान करने से मना कर दिया हो। वर्ष 2015 में जगमीत सिंह ने सैन फ्रांसिस्को में एक खालिस्तानी समर्थक रैली में शिरकत की थी, जहां उसने खुलेआम आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरांवाले की तारीफों के पुल बांधे थे। इसके ठीक अगले ही वर्ष खालिस्तानी जगमीत सिंह ने भारत में खालिस्तान की स्थापना के लिए हिंसा के इस्तेमाल तक को जायज ठहराया था। खुफिया एजेंसी रॉ ने अपनी एक रिपोर्ट में यह भी बताया था कि जगमीत सिंह खालिस्तान को बढ़ावा देने वाले कई पाकिस्तानी संगठनों को सीधे सीधे सहायता पहुंचाते हैं। इसके साथ ही जगमीत सिंह के यूरोप से ऑपरेट करने वाले कई कश्मीरी और खालिस्तानी अलगाववादी संगठनों के साथ भी करीबी संबंध हैं। वे कनाडा में भारत विरोधी कश्मीरी अलगाववादी और खालिस्तानी शक्तियों को एक साथ लाने की दिशा में भी काम कर चुके हैं। वर्ष 2019 में जब भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था, तब भी जगमीत सिंह ने भारत के विरोध में और पाकिस्तान के पक्ष में अपनी आवाज उठाई थी और भारत पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के बेबुनियाद आरोप लगाए थे। अब जब भारत में किसान प्रदर्शन की आड़ में भारत विरोधी खालिस्तानी प्रोपेगेंडे को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसमें भी जगमीत सिंह की सक्रिय भूमिका निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में जगमीत सिंह पर आरोप लगा था कि उन्होंने कनाडा में कई भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर अमेरिकी सिंगर रिहाना को भारत विरोधी ट्वीट करने के लिए $2.5 million की फंडिंग भी प्रदान की थी। रिहाना की जगमीत सिंह के साथ मित्रता कोई नई बात नहीं है। एक टीवी प्रोग्राम में रिहाना को उसके निक नेम रीरी से संबोधित करते हुए जगमीत सिंह एक किस्से के बारे में बात करने लगे, जहां जनाब को रिहाना से फॉलो बैक भी मिला था और कैसे वे तब से ट्विटर पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। You know that if you are you following Rihanna back? I was following her from before. Oh, from before. Yeah, yeah, yeah. Because now that she's following you, you guys could DM each other. We have. And? Oh! जगमीत सिंह कनाडा में सालों से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाते आए हैं, लेकिन कनाडा के आम लोगों को आज भी उनके इस विषैले एजेंडे का पता नहीं है। ऐसे में यह बेहद आवश्यक है कि कनाडा के लोगों को वहां की मीडिया के माध्यम से इस खालिस्तानी के बारे में सही जानकारी दी जाए, ताकि वे भविष्य में इस व्यक्ति की वजह से भारत कनाडा के रिश्तों को बर्बाद होने से बचा सकें।